हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फीलिंग्स आज हम देखने वाले हैं, डीप करंट फीलिंग्स आज हम देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रही है, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे बहुत इमोशनल डैमेज दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन इमोशनली थोड़े डैमेज, इमोशनली थोड़े ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान है। बहुत सारी चीज़ों को लेके उनके दिल दिमाग में टेंशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो अपने आप से खुश नहीं है। कि एक इंसान जो है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। वो जो करता है, उसको जो सही लगता है, वो सारी चीज़ों में वो खुश होना चाहिए। लेकिन ये इंसान अपने कर्मों से खुश नहीं है। जिस तरीके से वो काम करते हैं, उस तरीके से वो मुझे खुश नहीं दिखते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात को या फिर आसपास के टाइम में इस इंसान ने आपको बड़ा ही मिस किया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको मिस किया, और आपको रोना आया होगा। इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है कि उन्होंने जितना आपको मिस किया ना, आपको उस बात पे रोना आया होगा। आप रो पड़ी होगी, और उस वक्त ट्रस्ट में ये पर्सन आपको याद कर रहे थे, इसीलिए जो है आपको रोना आया। ठीक है, और आप तो वैसे भी रोते रहते हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। देखो, यहाँ पे आपके पर्सन आपकी नंबर डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन गुस्सा होके नंबर डिलीट किया है, या फिर आपने डिलीट किया है, याद है लेकिन सेव्ड जो था ना वो डिलीट किया है, या फिर चैट डिलीट हो गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेमोरीज जो है वो कहाँ जाएगी। वो चाहे जितना भी आपको डिलीट करने की लाइफ से कोशिश करे, लेकिन जो मेमोरीज है, लेकिन जो यादें हैं वो कहीं नहीं जाती है। मेमोरीज, यादें साथ में ही रहती है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आप इनके जहन में, दिमाग में रहते हो। इनके लिए इजी नहीं है आपको जहन से, दिमाग से निकालना। ठीक है, और देखो, इंसान जो है, जब आप पहले बात करते थे, ये इंसान क्या बोलता था कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तुमसे बात करूंगा या फिर बात करूंगी। ठीक है ना, और आपको उस वक्त जो है बहुत हर्ट होता होगा कि टाइम मिलेगा तो बात करूंगी क्या, मैं तुम्हारी लवर हूँ, तुम्हें मेरे साथ बात करना ही चाहिए। तो उस वक्त आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगी होगी। इस वक्त मुझे चीज़ें बिल्कुल उल्टा दिख रही है। इनके पास बहुत टाइम है, आपको देने के लिए भी बहुत टाइम है, चीज़ों को संभालने के लिए भी बहुत टाइम है, लेकिन आप नहीं हो। आप अपनी गुस्से से गए हो, या फिर उन्होंने आपको साइड लाइन कर दिया है लाइफ से, नो मैटर, इसके बारे में चिंता नहीं है। बात यह है कि आप उनके लाइफ में नहीं हो। तो ये वही सोचते हैं शायद कि अब मेरे पास टाइम है, लेकिन वो पर्सन नहीं है जो मुझसे मेरा टाइम मांग रहा था। सिर्फ वक्त ही मांग रहा था, और कुछ नहीं, सिर्फ वक्त ही मांग रहा था, लॉयल्टी ही मांग रहा था। ठीक है, और जो लोग बुरा करते हैं ना, उनकी एक खासियत ये होती है कि वो अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं, और आप अच्छे हो, और उनके साथ जब सेम चीज़ होती है वो उसको सह नहीं पाते हैं। ठीक है, वो पेन जो है ना वो बेयर नहीं कर पाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनकी पेन तो वो अलग लेवल का ही है। यहाँ पे जो साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, मतलब ऑल साइन है यहाँ पे। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और रीडिंग को लाइक कर दिया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, ठीक है, पहले बड़ा ही इमेच्योर बन के चीज़ों को वो आगे लेके जा रहे थे,
लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मेच्योर पर्सन बन जाए और चीज़ों को आगे लेके जाए, क्योंकि उनके हिसाब से वो ज़्यादा नादान नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से ये है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने तब भी समझदारी के काम किया था, अभी भी मैं समझदारी का ही काम कर रहा हूँ। वो खुद को ना बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे दिखते हैं, जैसे कि मतलब खुद के ऊपर पूरा भरोसा है, मैंने अगर बिगाड़ा भी है इस रिश्ते को तो मैं सही भी कर दूंगा, मतलब इस तरीके से उनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वो है। और एक चीज़ है कि ये जो इंसान है ना, ऑनेस्टली मैं बोलूँ, इनको आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करता है, मतलब ये कि आप हाँ बोलो ना बोलो नो मैटर, वो तो आपको मना ही लेंगे, इस तरीके से मुझे चीज़ें दिखाई देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे जब जाना है बात करना है मैं कर दूंगा या फिर कर दूंगी, तुम्हारा ओपिनियन मैं नहीं लूंगा या फिर नहीं लूंगी, या फिर आपने उनको इतना हक दे दिया है कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, इतना समझ लो। ठीक है, आपके पर्सन कई बार मैसेजेस टाइप करते हैं आपको सेंड करने के लिए, यहाँ पे बहुत क्लियर ये चीज़ दिख रही है, कई बार जो उन्होंने है कम्युनिकेशन के लिए ट्राई किया है, मैसेजेस जो है टाइप किया है और आपको नहीं सेंड किया है, जब आप रात को सो जाते हो अनब्लॉक करते हैं मैसेजेस का, टाइप करते हैं फिर मिटा देते हैं, इवन ब्लॉक्ड भी नहीं हो आप, लेकिन कई बार सोचा है कि कुछ कॉल करें, कुछ मैसेज, कॉल तो ज़्यादा उनकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वो वॉइस में आपको कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो गलती है ना उस चीज़ को वो कन्फर्म नहीं कर पाएंगे ऑडियो में, वॉइस में, तो वो हमेशा ट्राई करते हैं मैसेज वगैरह करके आपके साथ बात को आगे बढ़ाए, बट उनसे वो चीज़ नहीं होती है क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक हाई मैसेज डालेंगे तो आप रिप्लाई करोगे, फिर उसके बाद चीज़ें ऑकवर्ड हो जाएगी, मतलब वो चीज़ें बोल नहीं पाएंगे जो उनके दिमाग में है और चीज़ें ऑकवर्ड होना स्टार्ट होगी, तो इसलिए काफ़ी बार टाइप करके मैसेजेस को मिटा देते हैं और काफ़ी बार अनब्लॉक करके देख के फिर ब्लॉक भी कर देते हैं। देखो, आपके पर्सन को अभी आपका नॉनसेंस टॉक बड़ा अच्छा लगने लगा है, उस वक्त अगर ये बोलते थे क्या इतनी बातें कर रहे हो, क्या इतनी अननेसेसरी क्या बात है, ये है वो है, अगर ये चीज़ चल रहा था ना, तो अभी मुझे इस वक्त दिख रहा है जैसे कि आपकी जो अननेसेसरी बातें हैं वो उनको बड़ा याद आती है, क्योंकि आप बोलते रहते हो या फिर आप उनकी अच्छाई के बारे में बोलते रहते हो, मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक, मतलब आप उनके लाइफ में उन्हीं को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे सेल्फलेसली, तो उस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब कैसे एक इंसान सेल्फलेसली प्यार करता है, उनको वो प्यार चाहिए जो आपने दिया था, उनको सेम चीज़ दोबारा जो है वो चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन फील कर रहे हैं कि शायद वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहे, मतलब आप उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। देखो, ये उनकी थॉट्स है, ये नहीं कि ये सच भी हो सकता है, मतलब गलत भी हो सकता है, हम उनकी थॉट्स देख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, तो हम मोस्टली उसी उनके थॉट्स देखेंगे, हो सकता है कि आप उनको अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं ना कि आप उनको अभी भी कितना इम्पोर्टेंस देते हो, बट क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फील करते हैं कि वो आपके लिए उस लेवल तक का इम्पोर्टेंट नहीं रहे और आप उनको उस लेवल तक का इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, जो कि गलत भी वो सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ भी क्या कर सकते हैं, एक इंसान के दिमाग में अगर ये चल रहा है तो देखो, आप अपना मूड ना बड़ा ख़राब करते हो, मुझे आपका सिचुएशन ये दिख रहा है कि इनके बारे में सोच सोच के आप अपने मूड को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हो, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि मूड ख़राब करने से क्या होगा, रोना आएगा, परेशान होगी, तो अपने मूड को ख़राब मत करो। ठीक है, आपके पर्सन को कभी कभी रिग्रेट होता है बट जो आपके साथ उन्होंने किया, बट एक बहुत स्ट्रांग रिग्रेट मुझे नहीं दिख रहा है कि इतना रिग्रेट कि उसी चीज़ की वजह से बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे या फिर भाग के आके माफ़ी मांगे, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ एक लेवल तक रिग्रेट दिख रही है पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ किया, आप दोनों का जो भी सिचुएशन था, दोनों का जो भी चीज़ें हुई, सो उस चीज़ की वजह से मुझे रिग्रेट दिख रही है।
और आपको आई थिंक, मुझे लगता है आपकी एनर्जी ये है कि आपको ये फील होता है कि मैंने गलत इंसान के ऊपर अपना जो है वक्त बर्बाद किया, क्योंकि इस इंसान ने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है। एंड देखो, यहाँ पे आपकी पर्सन को फील हो रहा है कि जो भी चल रहा है सिचुएशन, ये एक डार्क टाइम है आप दोनों के बीच में। शायद आगे जाके चीज़ें अच्छी हो जाए, आगे जाके चीज़ें जो है वो बदल जाए। आपके पर्सन ना कभी कभी आपके ओल्ड चैट्स को पढ़ते हैं और वो आपका नहीं, वो खुद का रिप्लाई देखते हैं, खुद का मैसेजेस देखते हैं, और देख के सोचते हैं कि कितना मतलब बुरा इंसान था मैं, किस तरीके से एटीट्यूड दिखाता था या फिर दिखाती थी, या फिर किस तरीके से रिप्लाई करता था या फिर करती थी। डेफिनेटली इस पर्सन को एक फील होता है कि हाँ, बहुत लेवल तक मैंने गलत एटीट्यूड में इस रिलेशनशिप को संभाला था, मतलब जैसा नहीं करना चाहिए था उस एटीट्यूड में मैंने रिश्ते को संभाला था, ठीक है। चलो एक कार्ड रीडिंग अभी कर लेते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं कि और उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, और ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, लियो। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ है। आपके पर्सन बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट मतलब मुझे ये चीज़ दिख रही है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लिया या फिर बहुत ऊपर चले गए, तो आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर वो ना ऐसा नाम बना लेंगे थोड़ा सा अपना, तो वो आएंगे और आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब वो चाहे प्यार दे ना दे, लेकिन अगर वो आपके साथ अगर उनकी एक पहचान बन गई, वो एक ऊपर लेवल तक चले गए, सो आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। और उनको ऐसा लगता है कि वो जितना टाइम तक चाहे उतना टाइम तक जो है आपको वेट करवा सकते हैं, और आप उतने टाइम तक अपने एक पैर पे खड़े होकर उनका वेट कर सकते हो। उनके दिमाग में ये बड़ा ही एक स्ट्रांग ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसी चीज़ है तो इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। प्यार के रास्ते में यही चीज़ जो है वो बैरियर बनता है, और चीज़ें कभी कभी समझ नहीं आती है, हम हालात को दोष देने लगते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जो है अभी बहुत ही फूल सी एनर्जी में है। मतलब जितना भी बोलने की कोशिश करो, जितना भी ज्ञान देने की कोशिश करो, उनकी सपोर्ट में जितना निकलने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले आप उनको कुछ कुछ भी चीज़ों में हेल्प करना चाहोगे ना, उनको ऐसा लगेगा कि आप सिंपैथी दे रहे हो या फिर आप ओवर इंटरफियर कर रहे हो उनके लाइफ में, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं ना कि नहीं, तुम मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरे लाइफ में या तो ओवर इंटरफियर कर रहे हो या फिर सिंपैथी कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ उनके दिमाग में होती है, तो बड़ा ही उल्टा तरीके से। ओके ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। हाँ, बड़ा ही उल्टा तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, बड़ा ही उल्टा तरीके से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। उल्टे इंसान हैं, आप ये सोच लो। आप अच्छे बोलने जाओगे, उनको लगेगा आप एडवाइस दे रहे हो। आप अच्छे के लिए बोलते होंगे, उनको लगेगा कि आप एडवाइस दे रहे हो, तो वो उसको नहीं लेंगे। सो कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन इस तरीके से चले, बिना किसी एडवाइस ले, बिना आपकी बात सुने, सही गलत अगर आप सही भी हो ना, अगर आपकी बात भी ना सुने, तो बहुत जल्दी कोई घाई में ये पर्सन गिरने वाली है। जिस तरीके से वो जा रहे हैं ना, मतलब किसी की नहीं पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है, और आगे बढ़ते हैं। इस एनर्जी में अगर वो आगे चलते रहे तो बहुत जल्दी कोई बड़ी प्रॉब्लम में वो फंसने वाले हैं। ऑलरेडी गड्ढा उनके लिए खुद चुका है, प्रॉब्लम उनके लिए रेडी है, ये उसमें फंसेंगे, क्योंकि ये कभी भी सही एडवाइस उन्होंने नहीं सुनी है, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सन की दो चीज़ है। सबसे पहली चीज़, एक रूप दिखाते हैं जो बहुत केयरलेस वाला रूप है, और जहाँ पे उनको कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है, जहाँ पे कुछ आपकी बात वो ज़्यादा सुनते नहीं है। और दूसरा एक रूप मुझे दिखता है जहाँ पे वो थोड़ा सा रुक जाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के सिचुएशन को देखते हैं कि अब तुम कैसे हो, अब तुम कैसी हो, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे उनकी दो दो फेसेस दिखाई देता है। एक फेस
कैसी हो तुम, दूसरी फेस, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में कोई केयर नहीं है, ठीक है ना। तो दो दो चीजें मुझे यहाँ पे उनकी दिखाई दे रही है। अब मैं देखना चाहूंगी कि अगर ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं, इनके दिमाग में कुछ आपको बोलने के लिए है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो क्या है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी इशू है। मैं कार्ड निकालूंगी फॉर थर्ड पार्टी, डोंट वरी। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है कि शायद आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि मैं अपने वर्क में बहुत बिजी हूँ, अपने काम में बहुत बिजी हूँ। जिन लोगों के पार्टनर काम में बिजी नहीं है, उन लोगों के पार्टनर शायद आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम होप रख सकते हो। तुम ऐसा नहीं कि होप बिल्कुल हार दो कि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप का आगे हम देखेंगे, बट अभी मैं अपनी दूसरी चीज़ों में, सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यही चीज़ लग रहा है। और जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में है ना, मैं उन लोगों के लिए एक कार्ड निकाल देती हूँ। क्या है थर्ड पार्टी का इशू, क्या है थर्ड पार्टी की बात, थर्ड पार्टी कब तक एंड हो सकती है। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी दो तीन पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एक तो कोई फ्रेंड में से थर्ड पार्टी हो सकती है, दूसरा खुद काम ही थर्ड पार्टी हो सकता है, और तीसरा कोई फ्रेंड के साथ काम करता है, या फिर वर्क प्लेस पे काम की जगह पे कोई है, और कुछ लोगों के फादर एंड मदर भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। मतलब तीन चार पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, बस यही देखना था। हैंगडमैन, थर्ड पार्टी तो इनको बहुत लटका के रख रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है थर्ड पार्टी और ये मैरिड हो, ठीक है। मुझे मैरिड थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या है, थर्ड पार्टी ना जाने दे रही है ना रुक रही है सही से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सी मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैरिड है, थर्ड पार्टी बहुत रुकी हुई है, मतलब रोकना चाहती है, और पैसों की भी कुछ बात है, तो उन दोनों का कुछ आपस में ही चीज़ें चल रहा है, ठीक है। आज ना बड़ा ही डिस्टर्ब हो रही है मेरी चीज़ें, तो आपस में ही चल रहा है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि उन दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे की रियल फेस पता करने की ज़्यादा ज़रूरत है। शायद एक दूसरे की रियल फेस नहीं पता है उनको। अगर पता होता तो चीज़ें उन दोनों के बीच में इतनी स्टक नहीं होती, चीज़ें हैप्पीली आगे बढ़ता होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों लगे हैं, लेकिन इनका रिश्ते में कहीं तो फूट, कहीं तो दरार आई है, लेकिन उनको वो चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, ठीक है। चलो मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले कुछ और कार्ड्स देखूंगी इस डेक से, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखते। डोंट बैक डाउन, आपकी पर्सन जो है इस रिलेशनशिप से बैक डाउन नहीं करना चाहते। मतलब जो उन्होंने इस रिश्ते के लिए सोचा है, आज नहीं तो कल वो उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, तो इसीलिए वो पीछे नहीं हटना चाहते कि देखो मैं पीछे हट रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में इतने एफर्ट्स नहीं डालने हैं। उनकी वो नहीं है, उनका ऐसा है कि चलो हम आज नहीं तो कल रिश्ते में एफर्ट डालेंगे, और आज नहीं तो कल देखेंगे कि हम इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक डाउन तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है फर्टिलिटी, वाह। इस वक्त जो है आपके पार्टनर शायद, या फिर आप शायद, दोनों में से कोई है जो कुछ न्यू स्टार्ट करने की लाइफ में कोशिश कर रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट हो गया, कोई नया काम हो गया, शायद ये कुछ करने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है मुझे प्लीज हमें बताएं। रिलेशनशिप के लिए है क्वाइट टाइम। ओके, देखो अगर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, इवन बात भी नहीं हो रही है, फिर भी आप डिप्रेस्ड हो, आपके परेशान गुस्से, आपके पर्सन गुस्सा है, ठीक है, कुछ भी चल रहा है सिचुएशन, इवन अगर बात ना हो के भी ये सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है माइंड को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बात हो ना हो टेंशन तो रहती है ना।
सो टेंशन ख़त्म करके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोच के जब तुम इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेगा। मतलब आज रिश्ता हो गया तो कल शादी का देखते हैं, फिर आगे का देखते हैं। हाँ ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग सही है रिलेशनशिप का, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी चीज़ें वर्क नहीं करती है, तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। नॉर्मल कितना बात कर सकते हो वो करो, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, अब मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ आपके रिगार्डिंग और आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। वाह, और मुझे कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता है तो मैं दो तीन कार्ड निकालती हूँ, बट एक कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ही जल्दी आप इस पर्सन का एक्शन देखोगे कि पर्सन बहुत ही जल्दी एक्शन लेके घूम फिर के आपके पास वापस आने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। मैं इतना देख रही हूँ, मैं इतना आपको बोल सकती हूँ, बाकी बिलीव करना ना करना आपके ऊपर है। पॉजिटिव नोट के साथ बिलीव रखोगे तो आप पॉजिटिव आंसर ही आपको इन फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइज।